हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल पालक। दाल पालक बनाने के लिए हमने ले लिया है ये आधा किलो पालक। फ्रेश पालक है, इसको हमने साफ कर कर धो कर पंखे की हवा में थोड़ा सा सुखा लिया है। और ये ले ली है हमने 1 कप मूंग की दाल। ये मूंग की दाल छिलके वाली है। अब मूंग की दाल को तो हम धोकर अच्छी तरीके से भिगोने रख देते हैं, कम से कम आधा घंटा। और पालक को हम छोटा छोटा काट लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने पालक को काट लिया है छोटा छोटा और हमारी दाल भी भीग चुकी है। अब दोनों को हमें कुकर में चढ़ाना है, तो हम इस उनको कुकर में डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, कुकर में हमने पालक तो डाल लिया है, अब इसी पर हम दाल भी डाल देते हैं। दाल में से हमने पानी निकाल लिया था, थोड़ा बहुत जो पानी है वो इसी में डाल देंगे। दाल डालने के बाद उसी कटोरी में थोड़ा सा पानी, आधी कटोरी के करीब हम डाल देंगे। साथ में काट रखी है हमने 4 हरी मिर्चें, ये भी डाल देते हैं। मिर्चों के डालने के बाद में हमने ये मोटा मोटा धनिया काट रखा है, हरा धनिया, इसको भी डाल देते हैं साथ में। और साथ में डाल देते हैं आधी चम्मच नमक। और कुकर का ढक्कन लगाकर इसमें 2 से 3 सीटी हमें लगा लेनी है। जब तक हमारे कुकर में सीटी लगती है, तब तक हम कर लेते हैं छौंकी की तैयारी। फ्रेंड्स, कुकर में सीटी लग चुकी है, अब इसको रखते हैं साइड में और गैस पर रखते हैं एक कढ़ाई। फ्रेंड्स, हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, अब इसमें डाल देते हैं हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को गर्म होने देते हैं। फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें डालते हैं ये 2 सूखी लाल मिर्च है जिनको हमने तोड़ लिया है। सबसे पहले इनको डाल देते हैं। लाल मिर्च को डालने के बाद हमने ये 8 से 10 कलियां लहसुन की ले ली हैं जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। सबसे पहले ये डाल देते हैं। दाल पालक में इसका टेस्ट और इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आती है, तो लहसुन तो अपनी हिसाब से ज़्यादा या कम किया जा सकता है। अगर आप नहीं खाते हैं तो कम कर दीजिए या मत डालिए, लेकिन लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब इसको भुनने देते हैं। लहसुन अब भुन चुका है, अब इसमें डालते हैं ये आधा चम्मच अदरक है जिसको हमने घिस लिया है, इसको भी भून लेते हैं। अदरक के भुन जाने के बाद इसमें डालेंगे हम ये 2 बड़ी प्याज ले लिए हैं जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, इनको भून लेते हैं डालकर। फ्रेंड्स, हमारी प्याज भी गोल्डन हो गई है, अब इसमें डालते हैं हम ये 2 टमाटर हैं जिनको हमने रफली चॉप कर लिया है, उनको भी डालकर भून लेते हैं। टमाटर के 1 मिनट भून जाने के बाद हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर क्योंकि हमने हरी मिर्च डाल रखी है इसमें, 1/4 चम्मच नमक, नमक भी हमने दाल और पालक में डाल रखा है, और आधी चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं।
और 2 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं ताकि टमाटर गल जाए। फ्रेंड्स 2 मिनट हो गए हैं, खोल कर देख लेते हैं, चला देंगे अच्छे से और टमाटरों को थोड़ा दबा दबा कर गला देंगे बिल्कुल। अब हमारा चौका तैयार है, अब इसमें डालते हैं हम अपने दाल पालक। तो ये हमने बोल में कर लिए थे, दोनों को डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें आधा गिलास हम पानी डाल देंगे, फिर से चला देंगे इसको एक बार। और बिल्कुल सेम आंच पर इसको कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। फ्रेंड्स सब्जी को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, खोल कर देख लेते हैं, सब्जी अच्छे से पक गई है, चला देते हैं इसको। और फ्रेंड्स हमारी सब्जी बनकर तैयार है, चलिए इसको सर्व करते हैं। लीजिए फ्रेंड्स हमारे स्वादिष्ट दाल पालक बनकर तैयार है। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगे, बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। जो बच्चे पालक खाना पसंद नहीं करते हो वो इस तरीके से उनको पालक दिया जा सकता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।